हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट थर्ड। प्रीवियस क्लास में हमने हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो प्रोसेस पढ़ी थी, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। आज ही क्लास में हम रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। रेडिएशन भी एक हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है। इसमें हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है। फॉर हीट टू फ्लो बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, मैटर मस्ट बी प्रेजेंट टू कैरी द हीट। कंडक्शन और कन्वेक्शन की प्रोसेस में क्या होता था कि कोई ना कोई मीडियम चाहिए उनको कि एक जगह से दूसरी जगह पर हीट पहुँचे, लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम बाहर धूप में खड़े होते हैं तो डायरेक्ट हमें ऐसे वार्म फील होता है, गर्म फील होता है, तो वो किससे होता है? सन से जो रेडिएशन निकल रही है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी तक पहुंच रही है। व्हेन वी स्टैंड इन सनशाइन वी फील वार्म, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्म फील करते हैं। हीट फ्रॉम द सन हैज़ रीच्ड अस, जो सन से जो हीट निकलती है वो हम तक पहुंचती है। हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू अनदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन, और जो सन की जो रेज है वो हम तक पहुंचती है वो एक अलग प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है, जिसको हम रेडिएशन का नाम देते हैं। इसमें हीट ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ से हम रेडिएशन के बारे में समझेंगे। रेडिएशन इज़ द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह एनर्जी फ्लो होती है। हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन कैन टेक प्लेस थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम होता है खाली स्पेस, ठीक है, जिसमें कुछ भी हवा नहीं हो, तो ये वैक्यूम में रेडिएशन फ्लो होती है। दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन्वॉल्व्ड इन रेडिएशन एंड दे कैन प्रोपेगेट थ्रू एम्प्टी स्पेस। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ में आती है, मतलब इन्वॉल्व रहती है, और उसी के थ्रू क्या होता है, जो वैक्यूम स्पेस है वहाँ पर रेडिएशन फ्लो होती है, और रेडिएशन के थ्रू हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। द हीट एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कॉल्ड बॉडी विदाउट नीडिंग एनी मीडियम टू ट्रेवल एंड विदाउट बींग अब्जॉर्ब बाई स्पेस बिटवीन द हॉट एंड कॉल्ड बॉडीज इज़ कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। इसका मतलब है कि थर्मल रेडिएशन, चाहे रेडिएशन बोल दो आप या फिर उसको आप रेडिएंट हीट बोल दो, ये सब क्या होती है, जब हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब हॉट बॉडी से कॉल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है, ट्रांसफ़र होती है विदाउट एनी मीडियम, जब उसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, और वो जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है वो कहीं और अब्जॉर्ब नहीं होती है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेडिएशन, रेडिएंट हीट या फिर थर्मल एनर्जी। इस एग्जांपल से आप कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में डिफरेंस कर पाओगे। जैसे हमने लकड़ियाँ जलाई, ठीक है, हम लकड़ियाँ जला रहे हैं और हमने एक लोहे की छड़ ली, लोहे की छड़ को हम उस आग पर गर्म कर रहे हैं, तो लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वो पूरी जो छड़ है वो गर्म हो जाएगी, तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो उस प्रोसेस को तो हमने क्या नाम दिया है, कंडक्शन। और उस आग से जो हमने आग जला रखी है उससे जो धुआं निकल रहा है उस पर जब हम हाथ रखेंगे या हाथ उसके ऊपर करेंगे तो क्या होगा, हॉट बॉडी से कॉल्ड बॉडी की तरफ, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगी, उसको हमने क्या नाम दिया है, कन्वेक्शन का। तो हमने यहाँ से दो चीज़ पढ़ी, कंडक्शन और कन्वेक्शन। अब है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, अगर आपके आसपास कोई आग जली हुई है तो आपको क्या होगा, अगर आप उसके पास बैठे हो, आग आप तप नहीं रहे हो, मतलब उसके ना तो आप हाथ ऊपर कर रहे हो ना ही आप कोई छड़ से उसको हीट ले रहे हो, आप उसके पास बैठे हुए तो आपको जो तपन महसूस हो रही है, मतलब आपको गर्मी महसूस हो रही है, वो क्या होगा, उसको रेडिएशन की प्रोसेस कहेंगे। मतलब आपको हीट महसूस करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, तो
जिसमें मीडियम की ज़रूरत ना पड़े और हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, उसको हम नाम देते हैं रेडिएशन का। रेडिएशन इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का ही टाइप है, सिमिलर टू लाइट एनर्जी। जैसे लाइट एनर्जी फ्लो करती है वैसे ही रेडिएशन होती है। इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। ये किस स्पीड से जाती है? ये लाइट की स्पीड से जाती है। जैसे लाइट सन से अर्थ पर पहुंचती है उसी स्पीड से ये रेडिएशन फ्लो करती है। व्हेन इट इज़ अब्सॉर्ब्ड बाय सम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट राइज। जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो टेम्परेचर को या फिर वो इस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। रेडिएशन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। ये सबसे फास्टेस्ट मोड होता है हीट को ट्रांसफ़र करने का, हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ। मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन के कंपैरिजन में जो रेडिएशन की प्रोसेस है उससे बहुत जल्दी हीट ट्रांसफ़र होती है। गुड हीट रेडिएटर्स या फिर अब्जॉर्वर ऑफ रेडिएटर, इसका मतलब है कि जो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्व करते हो या रेडिएट करते हो। जैसे हमने डार्क और ब्लैक क्लोथ्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में ज़्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं या फिर ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हीट को अब्जॉर्व करते हैं। कौन सी हीट को? जो रेडिएशन निकल रही है उसको, ताकि हम गर्मी महसूस कर सकें। तो ये क्या होंगे? गुड हीट रेडिएटर्स। पुअर हीट रेडिएटर्स कौन से होंगे? लाइट कलर के, सिल्वर कलर के या पॉलिश जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पुअर हीट रेडिएटर्स, क्योंकि ये कम हीट को अब्जॉर्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हो। क्यों? ताकि आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे। क्योंकि लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं या लाइट कलर के जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं वो हीट को बहुत कम ही अब्जॉर्व कर पाते हैं, ताकि गर्मी ज़्यादा ना लगे। जब सनलाइट अर्थ पर गिरती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये कौन सी प्रोसेस होती है? रेडिएशन की। द सन हीट्स द ग्राउंड। किसकी प्रोसेस से हीट करता है वो ग्राउंड को? रेडिएशन की प्रोसेस से। जब धरती एकदम अर्थ जो है वो गर्म हो जाएगी तब उससे जो हीट निकलेगी वो कौन सी होगी? कंडक्शन। द ग्राउंड हीट्स द एयर। ये ग्राउंड जो है वो एयर को गर्म कर देता है। कौन सी प्रोसेस से? कंडक्शन की प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है ग्राउंड का, और टेम्परेचर ग्राउंड का इंक्रीज़ होने पर क्या होगा? जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कंडक्शन बोलेंगे। और कन्वेक्शन क्या होगा? जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, द वार्म एयर राइजेज, तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। तो यहाँ से हमें तीनों प्रोसेस समझ में आ रही है। जो सन से लाइट निकलती है वो रेडिएशन होती है, और ग्राउंड से जो हीट निकलती है फिर वो हवा को गर्म कर देती है उसको बोलते हैं हम कंडक्शन। और कन्वेक्शन की प्रोसेस में क्या होगा? जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ उठती है। अब है अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएशन बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी है वो हीट को किस तरह से अब्सॉर्ब करती है? रेडिएशन की प्रोसेस में। द रेडिएंट हीट ऑफ रेडिएशन कैन राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी व्हेन इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। अगर कोई सॉलिड बॉडी है वो रेडिएशन हीट जो है उसको अब्सॉर्ब कर रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। व्हेन रेडिएशंस फॉल्स ऑन सम सॉलिड सरफेस सम पार्ट ऑफ रेडिएशंस कैन बी अब्सॉर्ब्ड। अगर कोई रेडिएशन सॉलिड ऑब्जेक्ट पर गिर रही है या सॉलिड सरफेस पर गिर रही है तो रेडिएशन का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो सॉलिड सरफेस द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। इससे आप क्या समझ रहे हो कि जब कोई रेडिएशन सॉलिड सरफेस पर गिरती है तो रेडिएशन का कुछ पार्ट तो अब्सॉर्ब हो जाता है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ रेडिएशंस अब्सॉर्ब दैट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड बॉडी। और जो पार्ट हमने अब्सॉर्ब किया है वही क्या करता है? सॉलिड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है।
The amount of heat which an object can absorb radiation depends on the color of the object. Radiation में कितना part heat का absorb होगा ये कोई भी object के color पर depend करता है. कैसे? जो dark color के होंगे object वो ज़्यादा heat को absorb करते हैं comparison to light colors. The objects having dark colors absorb more heat than objects having light colors. Objects with black color are good absorber of heat. जो black color के dark color के objects होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं heat को absorb करने में, इसलिए उनको good absorber या फिर good radiator भी कहा जाता है. Objects having shining white or silver color are bad absorber of heat. जो शाइनिंग या फिर वाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कम हीट को अब्जॉर्व करते हैं, इसलिए उनको पुअर हीट अब्जॉर्वर भी कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन के एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ हीट रेडिएशंस. तो फर्स्ट है इसमें रेडिएटर्स इन कार्स एंड एयर कंडीशनर आर पेंटेड ब्लैक सो एज टू हैव कूलिंग इफेक्ट बाय रेडिएटिंग मोस्ट ऑफ हीट. कार वगैरह में रेडिएटर्स लगे होते हैं और जो एयर कंडीशनर होते हैं वो अंदर से ब्लैक कलर के पेंट किए जाते हैं. क्यों? ताकि वो कूलिंग इफेक्ट को शो करे, क्योंकि रेडिएशन की प्रोसेस होगी और उससे बहुत ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. इससे क्या होगा, जो एयर कंडीशनर है वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेंगे और जब वो बाहर की तरफ एयर निकालेंगे तो उससे कूलिंग एयर निकलेगी. सेकेंड है रूम हीटर रिफ्लेक्टर्स एंड थर्मस फ्लास्क हैव ब्राइट पॉलिश सरफेस विच एक्ट एज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट. सच सरफेस अब्जॉर्व वेरी लिटिल हीट एंड रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट रेडिएशंस. आपने देखा होगा कि जो थर्मस फ्लास्क है, रूम हीटर है, रिफ्लेक्टर्स है, उनको वाइट या शाइनी कलर से पॉलिश किया जाता है ताकि वो हीट को कम अब्जॉर्व करे और हीट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करें. जिससे क्या होगा, जैसे थर्मस है उसमें हम गर्म चीज़ें रखते हैं तो वो ताकि वो उसकी जो गर्मी है वो बनी रहे. जो कार रेडिएटर्स होते हैं वो अंदर से ब्लैक कलर के होते हैं, उनको ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है ताकि वो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकें. और आपने देखा होगा जो रूम हीटर है या फिर थर्मस फ्लास्क है वो पॉलिश किए हुए होते हैं ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर सके और अब्जॉर्ब कम कर सके. नेक्स्ट है सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर आर पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड. दिस इज़ बिकॉज ब्लैक सरफेस इज़ गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट. सोलर कुकर है, सोलर वाटर हीटर है, ये अंदर से ब्लैक कलर के पेंट किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करे और गर्म कर दे. सोलर कुकर किस में काम आता है, खाना पकाने में. तो वो जितना ज़्यादा गर्म होगा उतने ही अच्छे से खाना पकेगा, तो उनको इसीलिए अंदर से ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है ताकि ब्लैक सरफेस से ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब किया जा सके. बिकॉज ब्लैक सरफेस इज़ गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट. नेक्स्ट है लाइट कलर्ड बिल्डिंग्स स्टे कूलर इन समर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट रेडिएशंस फ्रॉम द सन. आपने देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स या बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट कलर के होते हैं, उनको लाइट कलर का क्यों बनाया जाता है, ताकि वो हीट को कम से कम अब्जॉर्व करे और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करे. ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका जो एरिया है या फिर उसका जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा. जैसे आपने देखा होगा जो लाइट कलर की बिल्डिंग्स होती हैं वो गर्मियों में ठंडी रहती हैं. क्यों रहती है, क्योंकि उनका कलर लाइट है, वो हीट को कम अब्जॉर्ब करेगी जिससे वो ठंडी रहती हैं. नेक्स्ट है कॉफ़ी एंड टी स्टे हॉट लॉन्गर इन शाइनिंग पॉट देन इन ब्लैक एंड वन. कॉफ़ी है, टी है, इनको अगर जैसे आपने कॉफ़ी बनाई या चाय बनाई, इनको अगर आप ऐसे पॉट में रख रहे हैं जो शाइनिंग है तो क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम तक गर्म रहेगी. क्योंकि आपने पढ़ा है जो शाइनिंग सरफेस होता है वो ज़्यादा ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कंपैरिजन टू ब्लैक. सोलर कुकर में सोलर कुकिंग किस तरह से होती है, जो सन की लाइट है उससे जो रेडिएशन निकल रही है जब वो सोलर कुकर पर गिरती है तो क्या होगा, कंसंट्रेटिंग सनलाइट
कन्वर्टिंग लाइट टू हीट, तो उससे क्या होगा, जो लाइट है सन की वो हीट में कन्वर्ट होगी और उस हीट को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, मतलब ट्रैपिंग ऑफ हीट। इससे आप क्या कर सकते हैं, अ डिश कुकर कुकिंग 7 किलो ऑफ राइस इन 1.5 आवर, इससे आप 7 किलो चावल को 1.5 घंटे में पका सकते हैं, इतनी ज़्यादा उसमें हीट अब्जॉर्ब कर ली जाती है। और जैसे लाइट कलर की बिल्डिंग्स हैं वो समर में कूल रहती है, क्यों, क्योंकि वो हीट को अब्जॉर्ब कम करती है। नेक्स्ट है, डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर वार्मर इन समर वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स आर कूलर। जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं वो गर्मियों में तो क्या होते हैं, ज़्यादा गर्मी लगेगी उनसे और सर्दियों में वो गर्म रहते हैं, और जो लाइट कलर के क्लोथ्स हैं उनको हम समर में यूज़ करते हैं क्योंकि वो कूल रहते हैं। अब है कि विंटर में डार्क कलर के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, डार्क कलर्ड अब्जॉर्ब मोर ऑफ द सन्स रेज एंड प्रोड्यूस मोर हीट देन लाइट कलर्ड थिंग्स। जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो सन रेज या फिर रेडिएशन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं कंपैरिजन टू लाइट कलर। द डार्क क्लोथिंग कीप अस वार्मर इन द विंटर टाइम, और ये हमको विंटर में गर्म रखते हैं। इट होल्ड्स ऑन द हीट फ्रॉम द सन रेज एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। और ये क्या करते हैं, हीट को होल्ड करके रखते हैं, मतलब उस हीट को अब्जॉर्ब करके रखते हैं ताकि जो गर्म कपड़े हम पहने उनका टेम्परेचर बना रहे, वो हमको गर्म करते रहें, इसलिए हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है, क्लोथ्स वी वियर इन समर, लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, अब्जॉर्ब बहुत कम करते हैं, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता नहीं है और कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर, इसलिए हम समर में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हीट को कम से कम अब्जॉर्ब किया जाए और हम ठंडे रह सकें या फिर कूल रह सकें। अब हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में डिफरेंस को समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो फर्स्ट डिफरेंस है हीट ट्रांसफ़र का। इन तीनों में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, कंडक्शन में क्या होता है, हीट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए मॉलिक्यूल्स या फिर मीडियम की ज़रूरत होती है। कन्वेक्शन में भी हीट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम, जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं होता है, रेडिएशन वैक्यूम मतलब खाली स्पेस में फ्लो होती है, इनको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है मीडियम, कंडक्शन में क्या होता है, जब हीट हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ जाती है तो उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है, वो मीडियम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। और कन्वेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाते हैं। लेकिन रेडिएशन की प्रोसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अब्सेंस होते हैं, मतलब मीडियम अब्सेंस होता है, मीडियम वहाँ पर नहीं होता है, डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट है ये कि किस टाइप की एक प्रोसेस होती है, कंडक्शन एक स्लो प्रोसेस होती है, धीरे धीरे होती है, और कन्वेक्शन भी एक स्लो टाइप की प्रोसेस होती है, लेकिन रेडिएशन बहुत जल्दी होती है, बहुत ही फास्टेस्ट मोड में होती है, तो इट इज़ अ वेरी क्विक प्रोसेस। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र किस तरह से होती है, कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रेवल्स इन एनी पाथ, कोई भी पाथ में या किसी भी तरह से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, कन्वेक्शन में भी ऐसा ही होता है। लेकिन रेडिएशन की प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हीट हमेशा ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, और उसकी स्पीड क्या होगी, लाइट की स्पीड से वो ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स, कंडक्शन में सॉलिड्स आर हीटेड बाय कंडक्शन,
कंडक्शन की प्रोसेस सॉलिड्स पर होती है और वो हीट हो जाते हैं, और कन्वेक्शन में लिक्विड्स और गैसेस आर हीटेड बाय कन्वेक्शन प्रोसेस। रेडिएशन में क्या होता है, मीडियम इज़ नॉट हीटेड अप बाय रेडिएशन, कोई भी मीडियम आए वो हीट नहीं होगा। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। हीट क्या होती है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म होती है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कोई बॉडी हॉट है या कॉल्ड है उसको मेजर करने की डिग्री होती है टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ऐसा थर्मोमीटर जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता हो। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर के अलावा जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजीली, ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अपने अंदर से फ्लो नहीं करवाते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं जिनमें हीट या फिर करंट फ्लो नहीं होता है। और कंडक्टर्स क्या होते हैं, मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजीली, ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अपने अंदर से फ्लो इजीली करवा देते हैं, जैसे कोई लोहे का सामान है या मेटल्स हैं, वो बहुत जल्दी हीट अब्सॉर्ब करती हैं और गर्म हो जाती है, तो वो क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट, द ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। हीट का कंडक्शन क्या होता है, जब हीट ट्रांसफ़र होती है एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ, और क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट है कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन ऑफ हीट क्या होती है, अ प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ फ्लूइड टू अनदर बाय मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है किसके थ्रू, फ्लूइड के थ्रू, मतलब एक लिक्विड के थ्रू, और उसमें मूवमेंट होता है और एक जगह से दूसरी जगह पर हीट ट्रांसफ़र होती है। रेडिएशन क्या होता है, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट डज नॉट नीड अ मीडियम, एक ऐसा मोड जिसमें हीट ट्रांसफ़र तो होती है लेकिन उसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट एनी मीडियम इट इज़ ट्रांसफर्ड हीट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के एग्जाम्पल कैसे होंगे, जैसे कोई फायर जल रही है, अ कंपायर्स हीट, उससे जो हीट निकल रही है वो भी क्या हो जाएगी, रेडिएशन। जो माइक्रोवेव है जिसमें हम खाना बनाते हैं या फिर कोई चीज़ बेक करते हैं, उसमें भी कौन सी रेज निकलती है, रेडिएशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें क्या होता है, जो जिनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, जैसे टेलीफोन है, टावर है, इनमें भी क्या होती है, रेडिएशन निकलती है, जैसे रेडियो है, डिश टीवी है, मोबाइल है, ये सब रेडिएशन को फ्लो करवाते हैं। और जैसे एक्सरे वगैरह करते हैं, उनसे क्या निकलती है, एक्स रेज निकलती है, गामा रेज निकलती है, ये सब क्या है, ये रेडिएशन में काम आते हैं, या फिर इनमें आप कह सकते हो कि इनसे भी रेडिएशन निकलती है। तो आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास में हमने रेडिएशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा और हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा कि हीट ट्रांसफ़र कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू होती है। इसमें हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ा। इन तीनों के हमने एप्लीकेशंस पढ़े, एग्जांपल्स पढ़े। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।